बीते दिन किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद आज रेवाड़ी में भी किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। जब और डूंगरवास सहित करीब 20 गांवों के ग्रामीणों ने पंचायत कर दिल्ली जयपुर संख्या 48 स्थित मसानी बैराज पर पिछले करीब 1.5 माह से बैठे आंदोलनकारियों को वहां पहुंच कर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। या तो वो हाईवे खाली कर दें अन्यथा ग्रामीण चुप नहीं बैठेंगे। 20 गांवों के ये ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित मसानी बैराज पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाईवे पर भारी संख्या में ग्रामीणों को आता देख पुलिस प्रशासन भी वहां पहुंच गया और आंदोलनकारियों व ग्रामीणों के बीच बातचीत के दौरान तनाव की स्थिति पैदा होती देख पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को एक तरफ बुलाकर उनकी बात सुनी और आंदोलनकारियों से भी हाईवे खाली करने को कहा। इन ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1.5 माह से मसानी बैराज पर किसान आंदोलन के नाम पर चल रहे इस धरना प्रदर्शन के कारण बिजली पानी और आवाजाही सहित उनकी तमाम व्यवस्था चरमरा गई है। तो वहीं उनके खेतों में खड़ी फसल की हालत भी खराब हो चली है। ऊपर से किसान आंदोलन के नाम पर बीते दिन देश की राजधानी में जो घिनौना कृत्य इन आंदोलनकारियों ने किया वह बेहद ही शर्मनाक है। इसी के चलते ग्रामीणों में भारी रोष है। पुलिस से मिले आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हो गए। उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटे में हाईवे खाली नहीं हुआ तो वह आगे की रणनीति तय करेंगे। वहीं इसे लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने आंदोलनकारियों से बातचीत कर ली है, उन्हें समझा दिया गया है। अगर वे यहां से निकलना चाहते हैं तो पुलिस उन्हें NH 71 के रास्ते आगे भेजने को तैयार है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की तरफ से दिए गए अल्टीमेटम के बाद आखिर क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। हैं कि यहाँ अल्टीमेटम लेकर के आए थे, यहाँ आंदोलनकारियों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है? जो रेवाड़ी जिले के कुछ जो सरपंचीज हैं वो आए थे और उनको आपत्ति है कि जो ये किसान हाईवे को जाम करके बैठे हुए हैं और उस संबंध में दोनों पक्षों की एक बैठक हुई है और प्रशासन ने भी उसमें एक सोल्यूशन सुझाया है कि अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो NH 71 के माध्यम से सिंगू या टिकरी बॉर्डर आपको पहुँचाया जा सकता है। जैसा कि देखा गया ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा था, वो परेशान है इस बात को लेकर, लंबा समय हो गया है यहाँ, क्या लगता है अभी जो बातचीत हुई? प्रशासन की तो यही कोशिश है कि जो भी माहौल है वो पीसफुल रहे और एजिटेशन जो है वो पीसफुल तरीके से चले और प्रशासन की जहाँ भी इन दोनों पक्षों को ज़रूरत होगी प्रशासन फैसिलिटेट करने को तैयार है। हमारे आस पड़ोस के तकरीबन 20 गांव डूंगरवास की ग्राम पंचायत में इकट्ठे हुए थे और उस पंचायत में सभी गांवों ने अपनी तरफ से ये प्रयास किया कि भी हमारा इलाका यहाँ गंदा कर दिया है इनने, यहाँ गुंडागर्दी करते हैं, पूरी फसल तोड़ दिया है, रोड तोड़ दिया, पानी की पाइपलाइन टूट चुकी है। इस आधार के ऊपर सभी ने मिलकर ये काम किया। दूसरा, इनने जो कल पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार किया उसके पीछे हर एक आदमी उत्तेजित है और एक हर एक आदमी का एम है कि इनकी गुंडागर्दी आगे सहन नहीं होगी। हमारा इलाका बहुत शांतिपूर्वक था, इनकी हर बात पे आह्वान किया, जो बैठे बैठे काम करते थे हमारे लोगों ने इनका सहयोग भी किया। अभी क्या बातचीत हुई है? लेकिन अभी हमारी बातचीत हुई है, DSP अमित साहब ने कह दिया है इनको कि 24 घंटा तुम्हारे पास है, सोच लो, बैठ लो और बता दो। और 24 घंटे का अल्टीमेटम हमने इनको दिया है, 24 घंटे के बाद में दोबारा ये 20 गांवों की पंचायत होगी और इन पंचायत में जो डिसीजन लिया जाएगा वो इन सब का सहयोग के साथ में लिया जाएगा। आंदोलनकारी की तरफ से क्या कहना है? आंदोलनकारी की तरफ से यही है, 24 घंटे का इनको समय है, या तो इसको खाली कर दो और नहीं तो दूसरी कार्रवाई की जाएगी। इनने भी बोला है अभी हम बैठ के बातचीत करेंगे और जो DSP साहब ने उनको आगाह किया है कि भाई तुम्हारे को 71 तक लेके जाएंगे, उस ले जाने की जिम्मेवारी प्रशासन ने ली है, तुम्हारे साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी और आराम से हम अपने इलाके से आपको प्रस्थान करेंगे। आगे जो आपको हो सकता है कहीं तंगी हो तो वो जिम्मेवारी आपकी, हम अपने इलाके से शांतिपूर्वक विदाई कर देंगे। ठीक, बहुत बहुत